नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है कि पूनम मौर्य निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बन चुकी हैं। जी हां, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सियासी गोलागणित में सत्ता पक्ष पूरी तरह से पूर्वांचल में हावी रहा है। वहीं आधी रात तक चले सियासी उठापटक और प्रशासनिक गहमागहमी के बीच बनारसी में जिला पंचायत की सीट भी समाजवादी पार्टी के हाथ से खिसक कर स्क्रूटनी के बाद भाजपा के पास चली गई है। इस प्रकार पूर्वांचल के दो महत्वपूर्ण जनपदों में बनारसी और मऊ में भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए। भाजपा की ओर से बनारस से पूनम मौर्य और मऊ से मनोज राय निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय समानता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुशवाहा महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मोतीलाल कुशवाहा शास्त्री जी की पुत्रवधू हैं पूनम मौर्य। काशी विद्यापीठ ब्लॉक के सेक्टर नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य और भाजपा की अधिकृत जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी पूनम मौर्य ने शनिवार को सबसे पहले जिला राइफल क्लब सभागार पहुंचकर अपना नामांकन किया था। पूनम मौर्य के काशी विद्यापीठ ब्लॉक से सर्वाधिक मतों से जिला पंचायत सदस्य के तौर पर विजय हुई थी। इसके बाद उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अघोषित शक्ति प्रदर्शन भी किया था। वहीं नामांकन के बाद पूनम मौर्य ने कहा कि भाजपा ने मुझे प्रत्याशी बनाया था और अब आप जीत चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चुनाव जीतने के बाद जिले की पंचायतों का विकास करना पहला ध्येय होगा। विजयी हुई पूनम मौर्य ने कहा कि मेरा पहला कार्य ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त कराने का रहेगा, साथ ही गंदे पानी की निकासी के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा। आप देख रहे थे द दस्तक 24 की रिपोर्ट। धन्यवाद।